আচ্ছা একজন আই বলা আছে আরে বানাই বড় মন আই 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 नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप देख रहे हैं सर्प रक्षक संदीप जोशी YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज फिर गांव वालों के सूचना से हम लोग जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन में आ चुके हैं। और दोस्तों, हमारे बोकारो से ये जो है धनबाद जिला पड़ता है ना, धनबाद जिला के अंतर्गत ये कौन सा गांव है, केलियासोल प्रखंड, केलियासोल प्रखंड होलाडी ग्राम है। तो दोस्तों, एक सांप देखा गया है, सुबह सुबह से ही जो है हमारे मोबाइल पर कॉल आ रहा था, तो हमने जो है फाइनली इस जगह पर दोस्तों उस स्थान पर पहुंच चुके हैं अपनी उसी मंजिल की ओर, उसी राह की ओर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन सा सांप है। वीडियो में नज़रें जमाए रखें, क्योंकि दोस्तों इस काम में हर एक पल खतरा बना हुआ रहता है। आइए देखते हैं कौन सा सांप है, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सीमेंट का बोरा रखा हुआ था काफी दिनों से, और इसी पर दोस्तों बताया जा रहा कि यहाँ पर वो बराबर नजर आता था। तो आइए देखते हैं एक एक करके इस जितना भी सीमेंट का पत्थर इस सबको हटा के उसके बाद देखते हैं इस जगह पर है या नहीं। आइए বলে তো হাটা দর কষ্ট লাগি যায় জানে তখন দাদা হই ফাকা ফাকা রাখুন এক টেক রাখুন না তো কষ্ট লাগি না তো না আরে আমার নজর খারাপ পড়ল আরে দৌড়িয়ে গেল এই বড় দৌড়িয়ে গেল গেলে আলু করে तो दोस्तों फाइनली जो है फाइनली सांप हम लोग को नजर आ चुका है। दोस्तों इसी जगह पर अभी दिखाई दिया है, वीडियो का आखिरी तक बने रहे, पूरा उसको निकालेंगे उसके बाद साइड में लेके चलेंगे। अच्छा तो কত দিন থেকে রাখা আছে এখানে তো না একদিন না এটা ব্যান্ড পড়া দিয়ে আছে না না এটা ক্যামেরা রুম ওহে ওহে না না ওই দেখ আচ্ছা দেখি ভাই আছে তো কাম করে না 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 तो दोस्तों इसी जगह पर सांप जो है अभी दिख चुका है, इसी बोरा क्या इसी सीमेंट का नीचे है, आइए निकालते हैं उसको। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये जो है काफी बिग साइज का एक इंडियन रेड स्नेक है, जिसे हम लोग गांव घर में धामिन धमना सांप के नाम से ये जो है जाना जाता है। और ये बिल्कुल नॉन वेनमस होता है, थोड़ा सा भी इसमें जहर नहीं होता है, तो इससे लोग जो है इसको देखते ही डर जाते हैं, इतना ही डरावना ये शरीर से लगता है। लेकिन ये जो है बिल्कुल ही बिना जहरीला है। और ये जो है अभी दोस्तों केंचुली छोड़ने का अवस्था में, ये कुछ ही दिन में अपना स्किन को उतारेगा पूरा। देखिए अभी जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा छेड़छाड़ करने से ही ये जो है बाइट कर सकता है। जब जब ये दोस्तों अपना माउथ को फुलाएगा यानी कि ऑक्सीजन लेगा यहाँ पर, तब समझ जाइएगा कि ये जो है अभी काटने का मुद्रा में। देखिए तो ये धामन सांप जो है तीन चार कलर में होता है हम लोग का इधर, एक और आता है येलो कलर में। तो देखिए
काफी जीभ को लपलपाते हुए। तो दोस्तों ये सांप जो है घर के अगल बगल रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ऐसे कुछ इससे क्षति तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन दोस्तों घर के चूहा को कम करने में ये जो है गॉड गिफ्ट है। भगवान सभी को जो है सभी जीव को एक दूसरे के ऊपर निर्भर बनाया है। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा बहुत चोट लगा था, यहाँ पर देखिए। और देखिए किस प्रकार ये मेरे हाथ को पूंछ से लपेट लिया। बहुत आदमी का मानना है, एक अंधविश्वास है कि पूंछ से अगर मार दे तो उस जगह पर सड़ना गलना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है बिल्कुल ही शांत स्वभाव का सांप है। ये जो है दोस्तों फीमेल स्नेक है। ये जो है यहाँ पर घर बना लिया था अभी अंडा देने का, कि ये जो है अभी अंडा देगा कुछ ही दिनों में, ये यहाँ पर अंडा दे के। और दोस्तों एक साथ लगभग 30 से 32 अंडा देती है, जिसमें से 30 दिन अंडा का ऊपर ही बैठी रहती है। और जहाँ 30 डेज के बाद अंडा से बच्चा निकलना शुरू होता है दोस्तों, लगभग 4 से 5 बच्चा को ये खुद खा लेता है, क्योंकि ये दोस्तों उस टाइम काफ़ी ज़्यादा भूखाइल रहता है और भूख के चलते दोस्तों अपना ही बच्चों को खा लेती है। देखिए तो चलिए एक सांप तो हम लोग को मिल चुका है, अभी और तलाश जारी है उधर, देख रहे हैं अभी दोस्तों बने रहे वीडियो का आखिरी तक, और भी यहाँ सांप निकल सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे बोकारो से काफ़ी दूरी पर दोस्तों रेस्क्यू करने के लिए गए हुए थे उस गांव में दोस्तों। वो लोग यूट्यूब के थ्रू से नंबर निकाला था, तो उस गांव में पहले भी एक बार और दो बार हमने पहले भी रेस्क्यू कर चुके हैं, दो बार दो स्नेक। तो दोस्तों सांप को वो लोग बचाने का प्रयास किए। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग भी, कोई भी सांप आपके घर के अगल बगल अगर निकलता है तो उसे मारे नहीं, क्योंकि दोस्तों सांपों को पर्यावरण में बचे रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए आप भी सांपों को बचाएँ। तो ये जो है एक बिना जहरीला सांप है दोस्तों, इंसान को नुकसान भी नहीं पहुँचाता है और इससे जो है कोई भी क्षति नहीं पहुँचता। देखिए और हमारे इधर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश आने वाला है, बहुत ही बादल जो है छा गया है, तो इसी सुहाने मौसम में इसको जो है पर्यावरण है आइए रिलीज़ करते हैं दोस्तों, ताकि ये भी जो है अपना ज़िंदगी को इधर अच्छी तरह से गुजार सके। इधर दोस्तों पूरा जंगली जंगल एरिया है, पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ है हमारे इधर। और दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर अगर आप नए देख रहे हो तो नए व्यूअर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर सांप एवं जीव जंतु रेप्टाइल एनिमल से जुड़ा हुआ हर जानकारी आपके मोबाइल तक पहुँचता रहता है। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।